चलिए स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोग अंशों का निर्गमन पढ़ रहे थे और अंशों के निर्गमन के बड़े टाइप के क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। आज बारी है अलग तरीके के क्वेश्चन देखने की और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन एग्जाम में इस टॉपिक से आना ही आना है भाई, फिर से बोल रहा हूँ, एक टॉपिक आपके एग्जाम में इस टॉपिक से आएगा ही आएगा। और क्या पढ़ने वाले आज हम लोग, क्रय प्रतिफल के रूप में, क्रय प्रतिफल के रूप में, के रूप में अंशों का निर्गमन, क्रय प्रतिफल के रूप में किसका निर्गमन, अंशों का निर्गमन, ठीक है। क्रय प्रतिफल के रूप में अंशों का निर्गमन करना है। तो देखिए, क्रय प्रतिफल के अंशों का निर्गमन का मतलब क्या होता है, पहले जानो, इधर ध्यान दीजिए क्या होता है इसका मतलब। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई संपत्ति क्रय करते हो, जैसे कोई संपत्ति अगर आप क्रय करते हो तो बदले में क्या देते हो, क्रय करने के बदले में संपत्ति आता है और बदले में क्या जाता है, रोकड़ जाता है, है ना। संपत्ति खरीदते हो, रोकड़ बदले में देते हो, ठीक है। लेकिन आप अगर रोकड़ ना दो, जैसे 1 लाख का आपने कोई संपत्ति खरीदा और आपने बदले में रोकड़ नहीं दिया, तो ये क्या कहलाएगा, उधार कहलाएगा। तो बदले में आप क्या करो, अपनी कंपनी के अंश दे दे रहे हो सामने वाले को, क्या दे दे रहे हो, अंश दे दे रहे हो, ठीक है। बदले में क्या दे दे रहे हैं अपन लोग, हाँ, कंपनी का क्या दे दे रहे हैं, अंश दे दे रहे हैं। तो इसको बोलते हैं क्रय प्रतिफल के रूप में अंशों का निर्गमन। मतलब संपत्ति खरीद रहे हो परंतु पैसा नहीं दे रहे हो, क्या दे दे रहे हो, अपनी कंपनी के अंश दे दे रहे हो, इसी को बोलते हैं क्रय प्रतिफल के रूप में अंशों का निर्गमन। तो अब सवाल उठता है, सर इसका एंट्री क्या बनेगा। तो बेटा सबसे एंट्री, पहला एंट्री बनेगा उधार क्रय करने का। अगर कोई भी संपत्ति आप उधार में क्रय करोगे, नगद क्रय करते हो तो क्या एंट्री करते हो, संपत्ति खाता विकलन क्रोकड़ खाते से या बैंक खाते से, यही करते हो। लेकिन अगर आप उधार क्रय करोगे तो क्या लिखोगे, संपत्ति खाता विकलन, जो भी संपत्ति खरीदोगे वो आएगा तुम्हारे पास, तो संपत्ति खाता विकलन किससे, ग्राहक खाते से, या फिर इसको बोल सकते विक्रेता खाते से, क्या लिखोगे, विक्रेता से, क्योंकि उधार खरीद रहे हो, क्या लिखोगे, विक्रेता से। समझ में आ गया नरेशन, क्या लिखोगे, उधार, उधार संपत्ति का, उधार संपत्ति का क्रय करने पर, उधार संपत्ति का क्रय करने पर, ठीक है। ये आपने उधार संपत्ति क्रय कर लिया, ठीक। अमाउंट कौन सा जाएगा, जितने रुपए में आपने खरीदा है, क्रय प्रतिफल, कौन सा पैसा जाएगा, क्रय प्रतिफल, ठीक है। जैसे आपने 1 लाख रुपए का खरीदा, जितने रुपए का उधार खरीदा है उतना रुपए जाएगा, ठीक है। अब चलो, अब अपन क्या कर रहे हैं, बदले में अंश दे रहे हैं, बदले में क्या कर रहे हैं अपन, अंशों का पैसा नहीं दे रहे, बदले में क्या दे रहे हैं, अंशों का निर्गमन कर रहे हैं। तो बेटा अंशों का निर्गमन जो होगा, अब यहाँ किस्त वाली बात नहीं आएगी ना, किस्त वाली बात नहीं आएगी। अब जब अंशों का आप निर्गमन करोगे तो या तो सम मूल्य पर करते हो, या फिर बट्टे पर करते हो, या फिर किस पे करते हो, प्रीमियम पे। तो कंडीशन वाइज है, जैसा बोलेगा। तो मान लीजिए कंडीशन नंबर 1, यदि आप सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन कर रहे हो, किस पे निर्गमन कर रहे हो, सम मूल्य पर, तो क्या एंट्री करोगे। अच्छा याद करो, अगर आप सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन करते थे तो एक एंट्री करते थे, याद करो क्या एंट्री करते थे, बैंक खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। अभी आवेदन आवेदन को मारो गोली, ठीक है, याद है, सिंगल एंट्री सिखाया था तुम लोग को, बैंक खाता विकलन अंश पूंजी खाते से, यही ना करते थे, सीधा अपन एंट्री क्या करते थे, बैंक खाता विकलन किससे, अंश पूंजी खाते से, बैंक खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। क्या यहाँ पैसा आ रहा है, नहीं, तो बैंक खाते की जगह क्या आ जाएगा, विक्रेता का नाम आ जाएगा, बैंक की जगह विक्रेता का नाम, विक्रेता खाता विकलन अंश पूंजी खाते से। समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो बेटा सीधा एंट्री करोगे आप लोग, विक्रेता खाता विकलन, विक्रेता खाता या विक्रेता विकलन, विक्रेता विकलन किससे, अंश पूंजी खाते से। बड़ा सिंपल है, देख लो भाई, विक्रेता विकलन किससे, अंश पूंजी खाते से। क्या कोई परेशानी नहीं है, चलिए। अब सवाल उठता सर नरेशन क्या होगा, तो नरेशन ये होगा अंशों का सम मूल्य पर, सम मूल्य पर, सम मूल्य पर क्रय प्रतिफल के रूप में, क्रय प्रतिफल के रूप में, के रूप में अंशों का निर्गमन, सम मूल्य पर क्रय प्रतिफल के रूप में अंशों का निर्गमन। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज योर, कैसे फिल करें हम लोग अमाउंट, अमाउंट कैसे फिल करेंगे, ठीक है। तो अमाउंट फिल करने का तरीका क्या होगा, तो अमाउंट कैसे फिल करोगे, कभी भी याद रखना, विक्रेता खाता विकलन पता है कितने रुपए से करोगे, जितने रुपए से आपने विक्रेता खाता को समाकलन किया होगा। देखो यहाँ पे विक्रेता खाता कितने समाकलन हुआ, जितने रुपए से समाकलन होगा उतने रुपए से आप विकलन करेंगे, जैसे क्रय प्रतिफल है, ठीक है, उतने रुपए से डाल देना, क्रय प्रतिफल, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है, क्रय प्रतिफल से डाल देना। और इसमें क्या डालोगे, पूंजी खाते में कौन सा डालोगे, जितना तुम्हारा अंशों का संख्या होगा ना, अंशों का संख्या गुणित सम मूल्य, अंशों का संख्या के साथ सम मूल्य का क्या कर देना, गुणा कर देना, ये आपका एंट्री बन जाएगा। समझे आप लोग कि नहीं समझे, समझ गए। दूसरा कंडीशन होता है, अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, जब आप अंशों का निर्गमन किस पे किया जाए, अच्छा चलो पहले लिखो, फिर अपन बारी बारी करते, तुरंत लिखो, चलो लिखते जाओ, लिखो फिर बताते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को, अब चलिए
अगला कंडीशन होता है जब अंशों का निर्गमन आप किस पे करते हो, यदि आप अंशों का निर्गमन किस पे कर रहे हो, प्रीमियम पे कर रहे हो, किस पे कर रहे हो प्रीमियम पे, तो सर क्या एंट्री बनेगा? कॉमन एंट्री बताओ, जब अंशों का निर्गमन हम लोग प्रीमियम पे करते थे तो कौन सी एंट्री करते थे? याद करो, बैंक खाता विकलन, अंश पूंजी खाते से, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से। तो बेटा यहाँ पैसा तो आ नहीं रहा है, तो बैंक की जगह क्या आ जाएगा? विक्रेता आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे विक्रेता विकलन, क्या लिखेंगे? विक्रेता विकलन किससे? अंश पूंजी खाते से, अंश पूंजी खाते से, और किससे? प्रतिभूति प्रीमियम खाते से। समझ आया? इजी है कि नहीं बताओ? और क्वेश्चन आएगा एग्जाम में बनाने को ना, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से, ठीक है? ओके, नरेशन क्या लिख सकते हैं? प्रीमियम पर क्रय प्रतिफल के रूप में, क्रय प्रतिफल के रूप में, ये कंडीशन नंबर दो है ना, प्रीमियम पर क्रय प्रतिफल के रूप में अंशों का निर्गमन, प्रीमियम के क्रय प्रतिफल के रूप में अंशों का क्या लिखेंगे? निर्गमन। नहीं आया समझ में? आ गया सवाल? उत्तर सर अमाउंट कितने रुपए से फिल करेंगे? कभी भी याद रखना, विक्रेता खाता विकलन कितने रुपए से करोगे? जितने से समाकलन करे रहोगे उतने रुपए से क्या करोगे? विकलन करोगे, ठीक है? यानी क्रय प्रतिफल से क्या करोगे? जितने रुपए खरीदे हो क्रय प्रतिफल रूप से विकलन करोगे, ठीक है? अब सवाल उत्तर सर अंश पूंजी में कौन सा पैसा जाएगा? तो अंश पूंजी में हमेशा की तरह अंशों की संख्या गुणित अंशों का क्या? सममूल्य कर लेना। समझ में आ गया? और प्रतिभूति प्रीमियम में कौन सा आएगा? अंशों की संख्या गुणित प्रति अंश जो प्रीमियम का पैसा होगा ना, उसका मल्टीप्लाई कर देना। नहीं आया समझ में? आ गया इस तरह से? कोई परेशानी? नोट करिए। अच्छा नोट करोगे तो पूरा मत नोट करते रहना, कंडीशन ही को नोट करो अगला वाला। चलिए देखिए, तो प्रीमियम पे अंशों का निर्गमन करेंगे, या फिर तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? किस में निर्गमन करना अंशों को? बट्टे पर निर्गमन करना। तो देखो यार, जब तीसरा कंडीशन बट्टे पर निर्गमन करोगे तो क्या होगा? अच्छा बताओ, जब बट्टे पर अंशों का निर्गमन करते थे तो आप लोग क्या एंट्री करते थे? बैंक खाता विकलन, अंशों पर बट्टा खाता विकलन, अंश पूंजी खाते से। यहाँ पे क्या एंट्री हो सकती है? विक्रेता विकलन, अंशों पर बट्टा खाता विकलन, अंशों पर बट्टा खाता विकलन किससे? अंश पूंजी खाते से। किससे हो जाएगा? अंश पूंजी खाते से, ठीक है? इस तरह से अपन लोग एंट्री कर लेंगे, ठीक। अब नरेशन क्या लिखेंगे? बट्टे पर क्रय प्रतिफल के रूप में अंशों का निर्गमन। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, निर्गमन इस प्रकार से अपन लोग क्या कर देंगे? लिख देंगे। अब समझो अमाउंट कैसे फिल करोगे? तो विक्रेता खाता विकलन कितने रुपए से करोगे? जितना रुपए विक्रेता खाता समाकलन करे रहोगे ना, उतने रुपए से क्या करना? विकलन करना। समझ आया कि नहीं आया? ठीक। बट्टा खाते में कौन सा पैसा जाएगा? अंशों की संख्या, जितना अंशों की संख्या रहेगी उसका गुणा कर देना किसके साथ? प्रति अंश बट्टे का जो रकम होगा उसके साथ गुणा कर देना, बट्टे राशि के साथ, ठीक है? और अंश पूंजी में कौन सा पैसा जाएगा? अंशों की संख्या का गुणा कर देना किसके साथ? सममूल्य के साथ। किसके साथ गुणा कर देंगे आप सभी? सममूल्य के साथ। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके वेरी गुड, कोई दिक्कत? अब सवाल उठता है, क्या सर क्वेश्चन में अंशों की संख्या निकाल के दिया रहेगा कि हम उन सामने वालों को कितने अंश निर्गमित कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी अंशों की संख्या निकाल के हम लोगों को क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, वो आपको स्वयं निकालना पड़ेगा। और कैसे निकालते हैं? सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। देखो, अगर वर्किंग नोट में हमेशा जाना पड़ेगा आप लोग को और अंशों की संख्या निकालनी पड़ेगी, तो अंशों की संख्या कैसे निकालोगे? इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालोगे। तो क्या फॉर्मूला होगा, दिमाग में बैठा लीजिए आप अपने दिमाग में। क्रय प्रतिफल, जितने रुपए का जितना रुपए देना है ना उसको पैसा, जितना उधार लेन देन है, जितने रुपए का आपने उधार खरीदा है वो पैसे को आप लोग क्या कर लीजिएगा? लिख लीजिएगा। क्रय प्रतिफल मतलब जितने रुपए का आपने उधार खरीदा है, ठीक है, उसको लिख लेना। डिवाइडेड बाय करना प्रति अंश निर्गमन मूल्य। अब आप बोलोगे सर ये निर्गमन मूल्य क्या होता है? निर्गमन मूल्य का मतलब होता है कि जितना आप अंशधारियों से पैसा वसूलते हो ना, उसको बोलते हैं निर्गमन मूल्य। जैसे मान लीजिए 10 रुपए का अंश है, ठीक है, एक अंश का सम मूल्य कितना है? अब जैसे आप सम मूल्य पर निर्गमित कर रहे हो तो सामने वाले से कितना वसूल रहे हो? भाई एक अंश का कीमत 10 रुपए है, अगर आप सम मूल्य पर अंश का निर्गमित करते हो तो सामने वाले से कितना वसूलते हो? अंशधारियों से जनरली बताओ ना कितना वसूलते हो। भाई मैं बोल रहा हूँ 10 रुपए का अंश है, आप 10 रुपए के अंश को सम मूल्य पर निर्गमित करते हो, मतलब 10 रुपए के अंश को 10 रुपए में निर्गमित करते हो, तो कितना वसूलते हो सामने वाले से जब निर्गमित करते हो? 10 रुपए वसूलते हो, जितना वसूल कितना रहे हो? 10 रुपए, रोकड़ा कितना आया? 10 आया ना, यही तुम्हारा निर्गमन मूल्य है। 10 रुपए ही क्या है तुम्हारा निर्गमन मूल्य। उसी जगह अंशों को जब आप प्रीमियम पे निर्गमित करते हो, तो जैसे मान लो 10 रुपए का अंश है, 2 रुपए प्रीमियम पे निर्गमित कर रहे हो, तो सामने वाले से कितना वसूलोगे? 12 रुपया।
कितना पैसा आया आपके पास? तो 12 रुपए आपका निर्गमन मूल्य है, समझ में आया? 12 रुपए आपका क्या है? निर्गमन मूल्य है, नहीं समझे? और अगर आप बट्टे पर निर्गमन कर रहे हो, मान लो 2 रुपए बट्टे पर निर्गमन कर रहे हो, तो सामने वाले से कितना वसूल रहे हो? 8 रुपया वसूल रहे हो, तो 8 रुपए निर्गमन मूल्य है। अब समझ आया निर्गमन मूल्य का मतलब? जितना हम अंशधारियों से पैसा वसूलते वही निर्गमन मूल्य है जनरली, समझ में आ गया? तो क्या करोगे, निर्गमन मूल्य कैसे निकालोगे? तो देखो कंडीशन उसके पीछे भी, यदि अंशों का निर्गमन पहला कंडीशन नंबर ए सम मूल्य पर हो। अगर सम मूल्य पर हो तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर सम मूल्य पर आप निर्गमन कर रहे हो, सम मूल्य पर निर्गमन कर रहे हो तो क्या होगा? जैसे सम मूल्य पर निर्गमन कर रहे हो तो निर्गमन मूल्य कितना निकलेगा? निर्गमन मूल्य निकलेगा जितना रुपए का सम मूल्य है, सम मूल्य जितना ही तो पैसा वसूलोगे ना सामने वाले से, तो सम मूल्य जितना है वही तुम्हारा निर्गमन मूल्य होगा, क्योंकि 10 के बदले 10 ही वसूल रहे हो, ठीक। उसी जगह अगर आप किस पे निर्गमन करते हो, प्रीमियम पे निर्गमन करते हो, किस पे निर्गमन करते हो? प्रीमियम पे निर्गमन करते हो, तो बोलो सामने वाले से कितना पैसा निर्गमन मूल्य कहलाएगा? तो निर्गमन मूल्य कितना कहलाएगा, क्योंकि आप सामने वाले से सम मूल्य तो वसूलोगे साथ में क्या वसूलोगे? प्रीमियम का पैसा भी क्या करोगे? सामने वाले से वसूलोगे, सही बात है? तो सम मूल्य में प्रीमियम जोड़ दो, वो निर्गमन मूल्य हो जाएगा, समझ आया? 12 रुपया, ठीक है। उसके बाद नंबर सी, बट्टे पर। अगर आप बट्टे पर निर्गमन कर रहे हो, किस पे निर्गमन कर रहे हो? बट्टे पे निर्गमन कर रहे हो, तो निर्गमन मूल्य क्या हो सकता है बट्टे पर निर्गमन करने के लिए? तब बेटा निर्गमन मूल्य होगा सम मूल्य, बोलो माइनस बट्टा, यानी 10 रुपये का निर्गमन मूल्य है, 2 रुपये बट्टा, 8 रुपये वसूल कर रहे हो। दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तो खुद ब खुद उसमें बना डालोगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? है इजी, जल्दी से नोट करिएगा। चलिए अभी इस क्वेश्चन को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है? चलो समझो। मान लीजिए एक कंपनी है, ए लिमिटेड नाम की कंपनी ने बी लिमिटेड नाम की कंपनी से एक भवन क्रय किया गया जिसका मूल्य 80,000 रुपये था। कितना था उस भवन का मूल्य जो था ना, वो 80,000 रुपये था, ठीक है। उसमें क्या किया गया, तुरंत क्या किया गया, क्रय के समय पे लगभग 8,000 रुपये नगद भुगतान किया गया। 8,000 रुपये क्या किया गया? नगद भुगतान किया गया। बाकी जो 72,000 रुपये के लिए क्या किया गया, अंशों का निर्गमन कर दिया गया। 72,000 रुपये का अंशों पर निर्गमन कर दिया गया, ठीक है। 72,000 रुपये के लिए क्या किया गया, अंशों का निर्गमन कर दिया। 80,000 का भवन खरीदा गया, 8,000 रुपये नगद दे दिया गया, और 72,000 रुपये का क्या कर दिया गया, अंश निर्गमित किया। अब कंडीशन वाइज बनाना है, यदि सम मूल्य पर निर्गमित किया जाता तो क्या होता? यदि अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर होता तो क्या होता? नंबर दो, यदि अंशों का निर्गमन 20% प्रीमियम पर किया जाता। अच्छा, 72,000 रुपये 10 रुपये वाले अंशों का निर्गमन किया गया, कितने रुपये वाले अंशों का? 10 रुपये वाले अंशों का, ठीक है। तो 20% प्रीमियम पर निर्गमन किया गया तो क्या होता, और 20% बट्टे पर निर्गमन किया जाता तो क्या होता? तो अलग अलग कंडीशन पे आपको क्वेश्चन क्या करना है, बनाना है, समझ गए? चलो बनाना स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहले आपने भवन क्रय किया 80,000 रुपये का। आपने क्या किया, 80,000 का भवन खरीदा, 8,000 रुपये नगद दिया, और बाकी 72,000 अभी भी क्या है, उधार है। तो क्या एंट्री बनेगा? फर्स्ट एंट्री बनेगा भवन खाता विकलन। भवन आ रहा है ना, भवन खाता विकलन रोकड़ आ रहा है कि जा रहा है? तो बैंक खाते से लिखना, क्या लिखना? बैंक खाते से, क्योंकि बैंक कंपनियां बैंक मेंटेन करती, रोकड़ कभी मेंटेन नहीं करती, ठीक है। तो भवन खाता विकलन बैंक खाते से, और बाकी उधार है कि नहीं है, किससे खरीद रहे हो तुम लोग, विक्रेता का नाम क्या है? बी लिमिटेड से खरीद रहे हो कि ए लिमिटेड से? बी लिमिटेड से, हम लोग ए लिमिटेड हमने बी लिमिटेड से खरीदा, तो क्या लिखेंगे? बी लिमिटेड से। किससे लिखेंगे? बी लिमिटेड से। नहीं समझ में आता, विक्रेता से लिख दो। चलो मैं विक्रेता से लिख देता हूँ, सीधा क्या लिख देते हैं, विक्रेता से लिख देते हैं, ठीक है। अब अमाउंट देखो, भवन कितने खरीदे, 80,000, नगद कितना दिए, दोनों को जोड़, और उधार कितना अभी भी, 72,000, समझ गए? नरेशन लिख लेना, भवन का क्रय करने पर, ये लिख लीजिए, भवन का क्रय करने पर, लिख दिए कि नहीं लिख दिए, ठीक। अब हमने अंशों का निर्गमन किया अलग अलग कंडीशन पे। सबसे पहला कंडीशन ध्यान दीजिएगा, स्थिति नंबर एक, यदि सम मूल्य पर अंशों का
निर्गमन किया जाए, यदि सम मूल्य पर क्या किया जाए, अंशों का निर्गमन किया जाए, तो क्या होगा? तो बताइए, याद करिए, सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन करोगे तो क्या एंट्री करोगे? नॉर्मल एंट्री सोचे करो, नॉर्मल एंट्री सोचो पहले। जब सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन करते थे क्या एंट्री बनता था? सिंगल, हाँ, बैंक खाता विकलन, अंश पूंजी खाते से बैंक हटा दो क्या आ जाएगा? विक्रेता। क्या लिखेंगे? विक्रेता विकलन, विक्रेता विकलन, विक्रेता खाता विकलन किससे? अंश पूंजी खाते से। विक्रेता खाता विकलन किससे? अंश पूंजी खाते से। समझ में आ गया? अब अमाउंट की बारी आती है, तो अमाउंट के बारे में क्या सिखाया मैंने? विक्रेता जितने से समाकलन हुआ होगा ना, उतने से ही विकलन करोगे। बताओ विक्रेता कितने समाकलन हुआ है? तो 72,000 से आप क्या करोगे? इसको विकलन भी करोगे। समझ गए? तो जब ये 72,000, तो कॉमन सेंस की बात है, भी 72,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 72,000। तो इसमें सीधा आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सम मूल्य पर क्रय प्रतिफल के रूप में। इसमें अंशों की संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं है, सम मूल्य पर जरूरत नहीं पड़ता, काहे के लिए मेहनत करोगे? सम मूल्य पर क्रय प्रतिफल के रूप में, क्रय प्रतिफल के रूप में, के रूप में अंशों का निर्गमन, अंशों का निर्गमन। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक, ओके। अब स्थिति नंबर दो देखते हैं, कंडीशन नंबर क्या देखेंगे अपन लोग? सेकंड देखते हैं। तो चलिए देखिए, कंडीशन नंबर सेकंड क्या लिखा है, पढ़ो। यदि 20% प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन किया जाए, यदि 20% प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन हो, तब क्या करने पर? निर्गमन करने पर। तो बोलो स्टूडेंट्स, क्या होगा बताइए आप? ये लोग नॉर्मल एंट्री सोचो, जब प्रीमियम पर निर्गमन करते थे तो नॉर्मल एंट्री सोचो पहले। होगा क्या? यहाँ बैंक आएगा, क्या आएगा? विक्रेता खाता विकलन, अंश पूंजी खाते से, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से। तो लिखेंगे विक्रेता खाता विकलन, विक्रेता विकलन किससे? अंश पूंजी खाते से, अंश पूंजी खाते से और प्रतिभूति प्रीमियम खाते से। प्रतिभूति प्रीमियम खाते से। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक। अब सवाल उठता है, सर अमाउंट कैसे फिल करेंगे? सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। विक्रेता खाता विकलन कितने रुपए से होगा? जितने से समाकलन हुआ है, बताओ कितना? 72,000। बाकी का काम करें अपन लोग। चलो बाकी देखते हैं। तो बाकी के लिए अंशों की संख्या निकालनी पड़ेगी, सिखाए थे। चलो अंशों की संख्या निकालो, तो अलग से वर्किंग नोट में जाना, समझ गए? अलग से वर्किंग नोट में जाओ और अंशों की संख्या निकालो। तो अंशों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ मेरे को? हाँ बोलो। नहीं, क्रय प्रतिफल बटे प्रतिअंश निर्गमन मूल्य। क्रय प्रतिफल बटे प्रतिअंश निर्गमन मूल्य। और यहाँ पे निर्गमन मूल्य कैसे निकलेगा? प्रीमियम पे निर्गमन किए हो ना, निर्गमन मूल्य कैसे निकलेगा? किस पे निर्गमन किए हो? प्रीमियम पे निर्गमन किए हो ना, ध्यान दो इधर, प्रीमियम पे निर्गमन किए हो ना। तो प्रीमियम पे निर्गमन किए हो तो क्या था फॉर्मूला? सम मूल्य प्लस प्रीमियम प्लस प्रीमियम। तो चलिए बताइए, सम मूल्य कितना? 10 रुपया। प्रीमियम कितना? 20%। सवाल उठता है किसका 20%? 10 रुपये का 20%। ठीक है, चलो 10 रुपया प्लस इसका 20%, 2 रुपये, कितना आ जाएगा? 12 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 रुपया। तो देखो 12 रुपये आया, तो सुनो 12 रुपये आया कि नहीं आया? तो 12 रुपये आया। हाँ, हम लोग लिखा रहे थे प्रतिफल, अंशों की संख्या। चलो अंशों की संख्या बराबर कैसे निकलेगा? क्रय प्रतिफल बटे निर्गमन मूल्य। तो क्रय प्रतिफल कितना है? 72। हाँ, उधार जो रहेगा उसको क्रय प्रतिफल बोलते हैं। 80,000 नहीं, जितना उधार है उतना। कितना उधार? तो 72,000 रुपये डिवाइडेड बाय 12। समझ गए? डिवाइड करो 12 × 72, 6,000 अंश आया कि नहीं आया? कितना अंश आया? 6,000 अंश। नहीं आया समझ में? इजी है। तो देखिए 6,000 आया तो गुणा करें। तो बताओ क्या सिखाया तुमको? अंश पूंजी खाता कितना अंश संख्या के साथ, अंशों की संख्या कितनी? 6,000 है। और एक अंश का कीमत कितना है? 10 रुपये। 10 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 60,000। समझ आया? और ये प्रतिभूति प्रीमियम कितना रुपए है? तो 6,000 के रेट से 2 रुपए अंशों का कितना होगा? 12,000। तो 12,000 नहीं समझे? नरेशन में क्या लिखोगे? 6,000 अंशों का, ऐसा लिखना, 6,000 अंशों का 12 रुपये प्रति अंश की दर से, 12 रुपये प्रति अंश की दर से प्रीमियम पर क्रय प्रतिफल के रूप में अंशों का निर्गमन। नहीं आया समझ में? बोल दीजिए, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? इजी है, हार्ड है?
एक बार और बनाना तो आ जाएगा, समझ गए? चलो नोट करो। अब चलिए कंडीशन नंबर 3 देखेंगे अपन लोग। जब अंशों का निर्गमन क्या किया जाए, 20% बट्टे पर किया जाए। किस पे किया जाए? बट्टे पे। चलो फटाफट एंट्री बोल दो एक बार। बट्टे पर अगर होगा तो क्या होगा, जल्दी बोलो। विक्रेता विकलन, अंशों पर बट्टा खाता विकलन। हाँ, वेरी गुड, ठीक। चलिए देखिए क्या लिखेंगे। विक्रेता विकलन, विक्रेता खाता विकलन, फिर क्या, अंशों पर बट्टा खाता विकलन, अंशों पर बट्टा खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन, और किससे? अंश पूंजी खाते से। किससे लिखेंगे? अंश पूंजी खाते से। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, अंश पूंजी खाते से। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? से नो सर। ठीक है, ठीक। तो देखो अमाउंट फिल करें, तो चलो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, विक्रेता विकलन कितने रुपये से होगा? 72,000 से। ठीक, अब अंशों की संख्या निकालें। चलो इधर देखो, अब फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता है क्या मेरे को, बताओ? नहीं। तो क्रय प्रतिफल कितना? 72,000। और निर्गमन मूल्य कितना? 10 रुपये का अंश है, 20% बट्टा है, तो 2 रुपये बट्टा कितना रुपया हुआ? 8 रुपया। नहीं समझे? कितना होगा? 9,000 अंश। कितना अंश आया? 9,000। खटाक से निकाल दो, समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? 9,000 अंश है, तो चलो गुणा करते हैं। 9,000 गुणित कितना करेंगे? 2 रुपया। बट्टे का नहीं आ जाएगा 2 रुपया? कितना रुपया हो जाएगा? 18,000। और 9,000 इंटू कितना करेंगे? 10 रुपया। कितना आ जाएगा? 90,000। ईजी है, हार्ड है? तो लिखना 9,000 अंशों का 8 रुपये प्रति अंश की दर से बट्टे पर क्रय प्रतिफल के रूप में, क्रय प्रतिफल के रूप में बट्टे पर निर्गमन। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? आ गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, अगर आप ट्राई करना चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज कल तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेना, क्वेश्चंस को एक बार और बना लेना, तो समझ में आ जाएगा अच्छे से।